हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का आगे का टॉपिक जिसमें हमने कल देखा था पीडीएस एंड सब्सिडी। पीडीएस एंड सब्सिडी को हमने कल कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम पीडीएस को थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाए। और उसमें रह क्या गया था, पीडीएस के अंदर हमने उसके इम्पोर्टेंस देखे, उसके बाद हमने जो उसकी प्रॉब्लम्स देखी वो उस इम्पोर्टेंस से भी कहीं ज़्यादा थी, मोर थी। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन निकाले, क्या प्रयास किए, जो कि अपन ने जैसा कि देखा समस्याओं का तो एक पहाड़ खड़ा है पीडीएस के अंदर, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या प्रयास किए। और उसमें सबसे प्रमुख प्रयास, सबसे प्रमुख एफर्ट, मैन एफर्ट क्या कहा जा सकता है, तो ध्यान रहे गवर्नमेंट ने पीडीएस को रिजुवेनाइज करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, सुधारने के लिए जो एफर्ट किया उसमें सबसे मेन है उसका 2013 का, 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो देखते हैं हम, बाकी चीजें बहुत नॉर्मल है। पीडीएस को कभी टारगेटेड कर दिया, कभी रिवैम्प्ड कर दिया, कभी इंटेंसिफाइड कर दिया, ये चीजें, और फिर उसमें अब डीबीटी जोड़ा जा रहा है, ये चीजें नॉर्मल है, छोटे छोटे सुधार हैं ये। लेकिन सबसे बड़ा सुधार क्या है, NFSA एक्ट। तो इसको देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अकाउंटिंग BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड है। देखते हैं लास्ट टॉपिक, इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पीडीएस। सरकार सुधार रही है पीडीएस की कंडीशंस को, किस रूप में। सबसे पहला प्रयास किया उन्होंने, सबसे पहला एफर्ट किया NFSA, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी साल IAS के पेपर में इससे क्वेश्चन आया है। ध्यान रहे ये जितने भी एक्ट होते हैं इनके जो प्रावधान हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके प्रोविजन। तो इसके सरकार ने जो जो प्रावधान बताए हैं कि साहब गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमन को ये सुविधा मिलेगी, बच्चों को ये मिलेगा, 6 to 14 years तक ये मिलेगा, तो जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें से क्वेश्चन फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं। और ध्यान रहे उन प्रोविजंस को ऐसे के ऐसे उठाल के डाल दिया है UPSC ने इस बार स्टेटमेंट के अंदर। अब जो भी NFSA ढंग से पढ़ के गया है उसका वो क्वेश्चन आराम से सही हो गया होगा। तो देखते हैं अपन NFSA क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में अगर बोलूं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कब लाई ये सरकार, 2013 के अंदर। अब साहब कल मैंने जैसा कि आपको बताया इन सब्सिडी वगैरह के अंदर खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा तो मैं कल भी बता चुका हूं कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के भोजन की, बेसिक भोजन की सुरक्षा करना ही फूड सिक्योरिटी है। आखिर ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड व्हाट इज इट्स नेसेसिटी एंड इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत क्या पड़ी कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक एक्ट भी बनाना पड़े। तो मैं आपको शॉर्ट में बता के चलूं, हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। ये सिर्फ बातों से नहीं चलता, सिर्फ थोड़ी अगर बातें कर दें कोरी उनसे ये देश नहीं चलता।
इसके अंदर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई भी चीजें सिर्फ सिद्धांतों से नहीं, उन सिद्धांतों से, उन मॉरल चीजों से, भाई मॉरल चीज तो ये निकल के आ गई कि गरीब को खाना मिलना चाहिए, लेकिन उस मॉरल चीज को कानूनी रूप से कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इट्स मीन दैट कैसे उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेड किया जाए, उसके लिए आपको जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट, संसद एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, और वही काम आपके पार्लियामेंट ने किया, एक्ट बनाया खाद्य सुरक्षा के लिए, और उस एक्ट में आपके पार्लियामेंट क्या क्या कर रही है वो देखिए। पार्लियामेंट ने उसमें क्या किया, अब आपको ये बात पता होगी कि हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दो सेक्टर है, ये तो आपको पता है। और इसमें जैसा कि मैं अगर गांधी जी के स्टेटमेंट को कोट करूं, तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अब इसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके समझ सकता है, लेकिन गांधी जी अगर ये बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो इसके हो सकता है कई मतलब हो, लेकिन एक मतलब इसका साफ है कि भारत के मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। ये बड़ी बात क्लियर है इसके अंदर, क्योंकि आपके शरीर की सबसे मेन चीज है आपकी आत्मा, जिसके दम पे आपकी जिंदगी चल रही है। और अगर भारत की आत्मा, गांधी जी अगर गांव को बता रहे हैं, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या कहां निवास कर रही है, गांव में। और अपन देखते आ रहे हैं आजादी से लेकर अब तक, गांव और खेतीहारी यानी कि एग्रीकल्चर की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यानी गांव में रहने वाले लोग, रूरल जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, और अपन देखते भी हैं बार बार उनको बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से सरकार ने, अब जब बेसिक चीजें नहीं मिल रही है तो खाद्य सुरक्षा भी उनकी नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा के अंदर यह कहा कि 75% 75% फूड सिक्योरिटी का ध्यान तो हम रखेंगे किधर, गांव में, और 50% हम रखेंगे किधर, शहरों में। क्योंकि शहरों में यह देखा जाता है कि व्यक्ति के पास करने को बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फालतू बैठा है वहां पर। एक बार कोई, आपको भी पता है कि एक बार कोई शहर चला गया तो कुछ ना कुछ करके कमा के जरूर खा लेगा, लेकिन गांव के अंदर ये चीज पॉसिबल आजकल नहीं रही। वहां पर एग्रीकल्चर था, लेकिन एग्रीकल्चर आप जानते हैं धीरे धीरे क्या हो गया है, बेकार। जोतों का आकार, एग्रीकल्चर होल्डिंग क्या होती जा रही है, छोटी। कृषि के अंदर उतनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी रही नहीं। परिवार, पॉपुलेशन की वजह से परिवार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक ही खेत में, मैंने आपको बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही खेत पर कितने लोग डिपेंडेंट है। तो गांव में अब इतना ज्यादा इनकम रहा नहीं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सरकारों ने इतना बढ़ावा दिया नहीं, जो थे उन्हें अंग्रेज चौपट कर गए और उसके बाद उन्हें खड़ा किया नहीं गया। तो गांव के अंदर उसे घूम फिर के कुछ नजर नहीं आता, लेकिन शहरों के अंदर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है और अपनी इकोनॉमी चला लेता है। और अगर अपनी इकोनॉमी चला लेगा तो फूड सिक्योरिटी भी हासिल कर लेगा कुछ हद तक। लेकिन गांव में अगर बेरोजगार होकर बैठा है ना, तो या तो सुसाइड कर लेगा या फिर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसी वजह से सरकार ने 75% तो कहां पर किया है, रूरल में, और 50% कहां पर किया है, अर्बन में। और इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि गांव में जो व्यक्ति रह रहा है वो कौन है, अन्नदाता। वो वह है जो आप और हम सब लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है। अगर वही भूखा बैठा रहेगा, अगर उसी के खाद्य की सुरक्षा नहीं होगी, तो आप अंदाजा लगाइए हम सब लोगों का आगे जाकर क्या होगा। इस वजह से भी उसे 75% दिया गया। तो ये दोनों चीजें हो गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, अब आप ये सोचते होंगे कि जैसे किसी चीज को बांटने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है कि साहब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कैसे कैसे चीजें बांटी जाएंगी। तो आप ध्यान रखना, अब तक जो आपने पीडीएस पढ़ा है, पीडीएस में तो आपने क्या पढ़ा कि साहब बीपीएल वालों को दे देंगे। इस बार यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन डाला है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
केवल बीपीएल वालों को ही चीजें दी जाती है, लेकिन नहीं। पहली बात तो मैंने आपको यूपीएससी का सिंबल बता दिया कि जब भी वो केवल या ओनली डाले आप उसे टिक करिए ही मत, क्योंकि उसके अंदर गलत होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरी बात, इसके अंदर केवल पीडीएस वाले नहीं है, इसने लगभग 2-3 कैटेगरी बनाई है। देखिए आप कैटेगरी जिसकी श्रेणियां, श्रेणियां इसकी क्या क्या रखी है इन लोगों ने, मैं शॉर्ट में सारी चीजें आपकी कवर करके चल रहा हूं एनएफएसए की। पहली कैटेगरी तो है बीपीएल, ये तो अंडरस्टूड है, बीपीएल तो होगा ही। और बीपीएल में भी जो खामियां सरकारों ने रख दी कि वो ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन कौन लोग बीपीएल में शामिल होंगे, और इस वजह से कई लोगों ने भ्रष्टाचार करके इसका फायदा उठाया और जो वास्तव में बीपीएल में शामिल होने चाहिए वो नहीं हो पाए, तो वो कमी तो दूर करनी ही है। बीपीएल वाले तो शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय, अंत्योदय और तीसरी कैटेगरी बनाई है इन्होंने प्राथमिक कैटेगरी। प्राथमिक श्रेणी या इसको आप बोलिए प्राइमरी श्रेणी। देखिए हाँ बाप, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, अंत्योदय, अंत्योदय कौन होते हैं जो समाज में बिल्कुल पिछड़े तबके पे हैं। बीपीएल तो वो है जिनको उस लेवल की कैलोरी नहीं मिल पा रही, लेकिन अंत्योदय कौन है जो कभी विकास की धारा से जुड़ी नहीं पाए, बिल्कुल दूर दराज रिमोट एरियाज में पड़े हुए हैं, कभी विकास की धारा उन तक आज तक पहुंची ही नहीं। जैसे मान लो किसी जनजाति इलाके में, ट्राइबल एरिया में, पहाड़ी इलाके में कोई है जहां पर ना कभी आज तक स्कूल खुला, ना कभी आज तक रोड बनी, और पुरानी कल्चर पुरानी सभ्यताओं में वो जिए जा रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि सरकारों ने हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं दे दी है। तो ऐसे लोग किसमें आएंगे, आपके अंत्योदय, और उन लोगों का उद्धार करने के लिए उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है कि ऐसे लोगों को भी हम देंगे, नए नए लोगों को ढूंढ के। फिर प्राथमिक, प्राथमिक में एक नॉर्मल फैमिली भी शामिल हो सकती है जिसके अंदर इन्होंने रखा है कि राइस, वीट और इसके अलावा मिलेट, मतलब आप बोल सकते हो मोटा अनाज, मिलेट में भी अलग अलग चीजें आएंगी, मोटा अनाज। देखिए इसकी रेट इन्होंने अभी चेंज करते रहते हैं, तो रेट इन्होंने अलग अलग इधर रखी है, जैसे इसकी रखी है इन्होंने 3 रुपए पर केजी, इसकी रखी है इन्होंने 2 रुपए पर केजी, और इसकी रखी है 1 रुपए पर केजी। अब देखिए कितना सस्ता ये देने वाले हैं, तो इस तरीके का इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है लोगों को, ये इस तरीके से देने वाले हैं। फिर इसके बाद में मैं इसके आपको और रूल्स बताता हूं, इधर अभी ये खत्म नहीं हुए हैं रूल्स। इसके अलावा इन्होंने इसमें क्या शामिल किया है जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया, गर्भवती महिला का डाला इन्होंने, प्रेग्नेंट वुमन का, कि गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमन जो है उसको गर्भ के या बच्चे के 6 माह तक दोनों टाइम का फ्री भोजन मिलेगा, कहां से, आंगनबाड़ी से।
ये इसमें है। साथ साथ गर्भवती महिला के लिए इसमें एक रूल और डाला है कि गर्भवती महिला को मातृत्व भत्ता भी मिलेगा। साथ साथ इसके ऊपर लगाया है उसने पॉइंट यूपीएससी में इस बार, साथ साथ मैटरनिटी अलाउंस भी मिलेगा, मातृत्व भत्ता 6,000 रुपए का। फिर देखिए महिला को आप जानते हैं आजकल महिला सशक्तिकरण बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, क्यों? क्योंकि महिला को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आपको 3 महिला के पॉइंट देखने को मिलेंगे। पहला, महिला को गर्भ के 6 माह तक दोनों टाइम का फ्री भोजन मिलेगा आंगनवाड़ी से, नजदीकी आंगनवाड़ी से। दूसरा, साथ साथ मातृत्व भत्ता भी मिलेगा 6,000 रुपए का, 6,000 रुपीज। एंड तीसरा मैं आपको बताऊं, तीसरा पॉइंट है कि राशन कार्ड जो होता है ना, जिससे पीडीएस की सारी सुविधाएं मिलती है, उस राशन कार्ड पर भी मुखिया यानी घर का हेड मुखिया के रूप में महिला का नाम ही क्या होगा दर्ज, महिला का नाम ही दर्ज होगा। ये चीज है, राशन कार्ड पर भी मुखिया के रूप में महिला का नाम ही क्या होगा दर्ज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राशन कार्ड पे मुखिया के रूप में महिला का नाम दर्ज क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये समझने वाली बात है। क्योंकि पीडीएस में करप्शन की वजह से पीडीएस को अब ये किससे जोड़ना चाह रहे हैं, डीबीटी से, और डीबीटी के अंदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में उसके अकाउंट में पैसा आएगा। सपोज करिए ये पैसा पुरुष के खाते में आता और पुरुष आदतन शराबी है, तो बताइए क्या वो उस अकाउंट में आने वाले पैसे से बच्चों को वही चावल, वही गेहूं, वही केरोसिन या आवश्यक वस्तुएं लाकर देता? वो तो उन सारे रुपयों को शराब में उड़ा देता। इसीलिए उस महिला को हेड बनाया जा रहा है, मुखिया बनाया जा रहा है कि अगर पति आदतन ऐसे गलत हो तो महिला उसका सदुपयोग बेस्ट तरीके से ऑप्टिमम उसका क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये चीज अपन ने देखी। और इसके प्रोविजन देखिए, इसके प्रोविजन की कोई कमी नहीं है, मैं तो आपको फिर भी लिमिटेड बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसके बहुत प्रोविजन है और कोई सा भी प्रोविजन एग्जाम में फंस सकता है। और देखिए, इसीलिए कल मैंने इसको नहीं बताया था, नहीं तो कल इसे मैं जल्दी जल्दी बता देता तो आपको काफी लॉस हो जाता, क्योंकि जब ये यूपीएससी में इस साल आ सकता है तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट तो है ही। क्योंकि गरीबी और गरीबी में भी खाद्य सुरक्षा मेन टॉपिक है। आप जानते हैं सरकार, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी आपके आरएस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अपने यहां पर झुंझुनू आए थे तो वो एक प्रोग्राम शुरू करके गए हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्यों शुरू किया है? क्योंकि बच्चों में रक्ताल्पता, खून की कमी, कोई बोना पैदा हो रहा है, कोई ठिगना पैदा हो रहा है, तो इन ये सब क्यों है? यही खाद्य सुरक्षा की कमी की वजह से। इन सब चीजों को सुधारने के लिए एक ही इलाज है कि प्रोवाइड करवाई जाए क्या, खाद्य सुरक्षा। इसीलिए पोषण मिशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछा, और किससे पूछ लिया, खाद्य सुरक्षा से। इसलिए आपको इंटरकनेक्टेड करके क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट चीज देखिए, 6 माह बच्चा पैदा हुआ तो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक उसे दोनों टाइम का फ्री
फ्री फूड मिलेगा। कहां से मिलेगा? आंगनवाड़ी से मिलेगा साहब, नजदीक की जो आंगनवाड़ी है। 6 माह से लेकर और अकॉर्डिंग टू एज, 6 माह का बच्चा जो चीज खा सकता है उसे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा और 6 साल का बच्चा जो खा सकता है उसे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट इसका रूल है 6 से, अब 6 वर्ष हो गया, 6 से लेकर 14 साल के लिए क्या किया है इंतजाम, क्योंकि आपको, आप जानते हैं कि गांव में गरीबी वगैरह ज्यादा है और सब जगह ही ज्यादा है तो आगे भी इंतजाम नहीं कर पाते लोग। तो 6 to 14 years तक भी, लेकिन अब टाइम कम कर दिया। टाइम कितना हो गया? एक टाइम का फ्री खाना मिलेगा, और ये किस रूप में मिलेगा? ये आंगनवाड़ी से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा उसकी स्कूल से। और ये आप जानते हैं ये किस रूप में मिलेगा, उसे किस फॉर्म में मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन स्कूलों में मिलता है ना, लेकिन काफी खामियां पाई जाती है, कभी मरा चूहा, कभी छिपकली, ऐसी उठपटांग चीजें उसमें मिलती है, बच्चे तो मना और कर देते हैं खाने से, लेकिन उसमें धीरे धीरे अब सरकार सुधार कर रही है। हमने ये भी देखा है सर्वेस के अंदर कि आप बच्चों को अनार और न्यूट्रिटिव चीजें, फ्रूट्स, ये चीजें भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, दलिया, ओट्स, ये चीजें भी उनको दी जा रही है। नेक्स्ट, मान लो नेचुरल डिजास्टर आया था, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा, तो उसके बाद में सब कुछ अस्त व्यस्त, मिसमैनेज्ड हो जाता है। उसके बाद आपको पता है जब बाढ़ आ जाती है तो सबको अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है, भूकंप में घर बार सब टूट जाते हैं, तो उस वक्त NDRF आती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और वो क्या करती है, ऊपर से खाने पीने के पैकेट्स, पहनने के कपड़े, ये सारी चीजें आपको क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो उस कंडीशन में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आई है, आप प्राकृतिक आपदा, तो वहां आपको 3 महीने तक, 3 मंथ तक आपको क्या मिलेगा, फ्री फूड, फ्री का खाना मिलेगा आपको, ये नियम है। तो ये मैंने आपको सारे इसके अंदर रूल्स बताने की कोशिश की, इसके अलावा इसमें कोई भी रूल बचता नहीं है, लगभग आपके सारे रूल क्या हो गए, कंप्लीट। अब इन्होंने और क्या किया साहब, इसको मिटा देता हूं, फिर एक दो और चीजें बता दूं आपको मैं। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया सुधारने के लिए, एक तो हो गया RPDS, एक हो गया आपका TPDS, एक हो गया आपका IPDS। तो ये सारी चीजें क्या है देख लेते हैं इनको अपन। उनको सुधारने के लिए कर रहे हैं, जैसे इसको बोला जाता है रीवैम्प्ड, बाकी आप समझ सकते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और रीवैम्प्ड को बोला जाता है नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नवीकृत यानी कि उसके अंदर कुछ संशोधन वगैरह कर दिए, उसको मॉडिफाई कर दिया, कुछ नई बातें शामिल कर दी और साथ हो गया नवीकृत, कुछ नए लोग शामिल कर दिए, कुछ नई बातें शामिल कर दी, कुछ पुरानी गलतियां गायब कर दी,
तो ऐसे काम किए हैं उन लोगों ने। नेक्स्ट इसको बोलते हैं टारगेटेड, बाकी आप जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और टारगेटेड को क्या बोला जाता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित के अंदर भाई देखने में यह आया कि पीडीएस हम लेके तो किसके लिए आ रहे हैं, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है ड्यू टू करप्शन, तो इन्होंने टारगेटेड कर लिया कि हमको अगर ए के लिए, सपोज करो ए के लिए फैसिलिटी पहुंचानी है तो हम ए के लिए ही पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि बी फायदा उठा के ले जाए। तो टारगेटेड कर लिया इन्होंने, अपने टारगेट्स बना लिए, गोल बना लिए, और ये जरूरी भी होता है इनके लिए ही नहीं, हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे अपना गोल अचीव करना है कि पहले वो अपना टारगेट सेट कर ले। जैसे आप बजटिंग में भी पढ़ते हो, पहले बजटिंग सिंपल होती थी लेकिन अब बजटिंग होने लगी है परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम ओरिएंटेड, जिसके अंतर्गत अपन परफॉर्मेंस को देखते हैं, निष्पादन आधारित जो बजटिंग है जिसमें अपन परफॉर्मेंस देख के काम करते हैं कि एक साल में इतना काम होएगा ही होएगा। जैसे मैंने आपको योजना आयोग और नीति आयोग में भी अंतर बताया था कि पहले योजना आयोग तो क्या करता था, 5 साल तक योजना लटकी रहती, अगली सरकार आ जाती फिर वो योजना चेंज हो जाती, लेकिन नीति आयोग ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया। वो क्या कर रहा है, अब 3-3 साल की योजना बना रहा है, 3-3 ईयर्स। तो उसमें क्या होगा, वो सरकार जाएगी नहीं, जाने से पहले अपने कार्यकाल में अपने टेन्योर के अंदर उस 3 साल के अंदर वो काम करके दिखाएगी। जैसे वर्तमान सरकार बोल रही है कि साहब हमने इतने शौचालय, इतने टॉयलेट्स बना दिए, इतने गांवों को हमने, इतने जो गांव उनको इलेक्ट्रीफाइड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, इतने किलोमीटर रोड्स बना दी। तो ये होता है आपका टारगेट ओरिएंटेशन, जिसके अंदर आप टारगेट लेके चलते हो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। तो टारगेटेड कर लिया इन्होंने कि हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर इतने लोगों को टारगेटेड करके उन तक पीडीएस पहुंचाना है। इसको क्या बोलेंगे साहब, इंटेंसिफाइड, बाकी आप समझ सकते हो पीडीएस। इंटेंसिफाइड को क्या बोलते हैं, तीव्र, तीव्र यानी कि भाई पहले पीडीएस की सुविधाएं पहुंचते पहुंचते बहुत विलंब हो जाता था, बहुत देरी हो जाती थी, लोगों को भूखे मर जाते थे वो, लेकिन अब हम बहुत ही तीव्र गति से ये सारी फैसिलिटी पहुंचाएंगे, एक फास्ट एक्सेस होगा सब चीजों का, तो वो इंटेंसिफाइड हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें की है, इट्स मीन दैट नाउ योर चैप्टर ऑफ सब्सिडी एंड पीडीएस इज टोटली कंप्लीटेड, नथिंग इज पेंडेड, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कंप्लीटेड बाय मी, सब्सिडी, पीडीएस, एनएफएसए, ऑल आर क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेम इज अकाउंटिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस पर चलते हैं अपन, ये हो चुका है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें अब लगेगा नहीं, देखते हैं अपन।